हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद यतिमन। क्लास सेवन के अंदर हम लोगों ने चैप्टर फाइव कंप्लीट कर लिया था। आज हम चैप्टर सिक्स को पढ़ेंगे, राजस्थान के प्रमुख शासक। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, हर चैप्टर आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे राजस्थान की हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो। ठीक है, आप लोग जिन चैप्टर्स को पढ़ रहे हो वो आपके फर्स्ट ग्रेड में भी काम आएगा, सेकेंड ग्रेड में भी काम आएगा और आपकी थर्ड ग्रेड में भी काम आता है। ठीक है, इसके अलावा जो बच्चे आरएएस की तैयारी कर रहे हैं वहां पर भी आप लोगों को यही कुछ पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि इसके बाहर जो है वो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछते हैं, आपको बाद में भी यही पढ़ना होगा और अभी भी यही पढ़ना है। तो इसीलिए जरूरी है कि टाइम रहते ही इन चैप्टर्स को कंप्लीट कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। राजस्थान के प्रमुख शासक। टोंक जिले के सोहला गांव की सुमन और सबाना जयपुर घूमकर आई। आने पर उन्होंने अपने अध्यापक जी से कहा, गुरुजी हमने जयपुर में जंतर मंतर देखा। ठीक है, तो जयपुर में क्या है? जंतर मंतर है, बहुत सुंदर है। वहां हमें बताया गया कि उसे सवाई जयसिंह ने बनवाया था। जयसिंह एक महान निर्माता थे। यह सुनकर पास खड़ा बलवंत बोला, पिछले साल मैं भी चित्तौड़गढ़ घूमने गया तो वहां मैंने विजय स्तंभ देखा जिसे महाराणा कुंभा ने बनवाया था। वहां लोग कह रहे थे कि महाराणा कुंभा महान और वीर शासक थे। बच्चों की बातें सुनकर गुरुजी बोले, देखो बच्चों, राजस्थान में कई ऐसे शासक हुए जिन्हें हम वीर और महान कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यों से प्रदेश को गौरवान्वित किया। ऐसे ही कुछ शासकों के बारे में बताता हूँ। तो देखिए, जयपुर में जंतर मंतर है जिसे किसने बनवाया? सवाई जयसिंह ने बनवाया। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ है, इसे किसने बनवाया? महाराणा कुंभा ने बनवाया। ठीक है, इस पैराग्राफ में ये आपको याद रखने हैं। सबसे पहले हैं शासक पृथ्वीराज चौहान। इनका समय काल है 1177 से 1192 ईस्वी। भारत में सल्तनत काल से पूर्व पृथ्वीराज चौहान का नाम प्रतापी शासकों में महत्वपूर्ण रहा। इनके पिता का नाम सोमेश्वर और माता का नाम कर्पूर देवी था। जब पृथ्वीराज अल्पायु के थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। ऐसे में माता कर्पूर देवी ने संरक्षिका के रूप में शासन का भार संभाला, किंतु निकट के संबंधियों ने इसका लाभ उठाना चाहा। शासक बनने के उपरांत पृथ्वीराज चौहान ने सर्वप्रथम अपनी आंतरिक स्थिति की ओर ध्यान दिया। तो इनके जो पिता थे सोमेश्वर, उनकी मृत्यु जल्दी हो गई थी। ठीक है, इनकी माता जो थी, इन्होंने ही इनका लालन पालन किया, शासन का भार संभाला। और जब पृथ्वीराज चौहान शासक बने, 11 वर्ष की अल्पायु में ही इनको शासक बना दिया गया था, तो सबसे पहले इन्होंने किस पर ध्यान दिया? आंतरिक स्थिति की ओर ध्यान दिया। पृथ्वीराज चौहान में योग्य प्रशासक, वीर और साहसी योद्धा व सेना नायक आदि गुण विद्यमान थे। विद्या अनुरागी पृथ्वीराज को 6 भाषाओं का ज्ञान था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। विद्यापति, गौड़, वागीश्वर, जयानक, विश्वरूप, जनार्दन, चंदवरदाई और पृथ्वीभट, ऐसे लेखक जो थे या कवि थे इनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। तो इनके दरबार में जो विद्वान थे, कवि थे, विद्यापति, गौड़, वागीश्वर, जयानक, विश्वरूप, जनार्दन, चंदवरदाई और पृथ्वीभट। प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंदवरदाई की, जो इनके द्वारा की गई है। ठीक है, और कहते हैं कि चंदवरदाई जो है, इन्होंने पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के बारे में इतना बड़ा चढ़ाकर लिखा है कि कुछ जो इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि चंदवरदाई ने बहुत ही ज्यादा अतिशयोक्ति कर दी है। नेक्स्ट है महाराणा कुंभा। इनकी शासन का काल है 1433 से 1468। ठीक है, शासन का काल भी आप लोग याद रखिएगा। सिसोदिया वंश के कला प्रेमी शासक कुंभा का जन्म 1417 ईस्वी में चित्तौड़ में हुआ। महाराणा कुंभा 1433 ईस्वी में मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठे। शासक बनते ही महाराणा कुंभा को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। महाराणा कुंभा की राजनैतिक उपलब्धियों में बूंदी, गागरोन, चिरोही, बागड़ विजय, मेवाड़, मारवाड़, मैत्री प्रमुख थी। तो देखिए, महाराणा कुंभा जो थे वह भी जल्दी गद्दी पर बैठे थे। लगभग 16 साल में ही इनको मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठा दिया गया था। तो शासक बनते ही इनको बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। तो इन्होंने जो उपलब्धियां हासिल की, बूंदी, गागरोन, सिरोही, बागड़, विजय, मेवाड़, मारवाड़ इत्यादि। ठीक है, तो यहां पर बस आप लोगों के लिए लाइन क्या है,
इनका जन्म 1417 ईस्वी में चित्तौड़ में हुआ था और सिंहासन पर ये बैठे थे 1433 ईस्वी में। ठीक है, इससे थोड़ा सा बढ़कर आप लोग आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। सेवंथ क्लास जो है वो छोटी क्लासेस है, तो यहाँ पर थोड़े थोड़े ही फैक्ट दिए हुए हैं। ये देखिए, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था, हमने फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ा था। महाराणा कुंभा के व्यक्तित्व में कटार, कलम और कला की त्रिवेणी थी। ठीक है, इनका व्यक्तित्व में कटार, कलम और कला, इसकी त्रिवेणी थी। सांस्कृतिक दृष्टि से यह काल मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण काल युग था। मेवाड़ में कहते हैं कि 84 में से 32 दुर्ग का निर्माण जो है वह महाराणा कुंभा ने करवाया था। कुंभा ने अचलगढ़ दुर्ग, बसंती का दुर्ग, भौमट दुर्ग, मचान का दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग और चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। कुंभा महान संगीतकार भी थे। उनके द्वारा रचित संगीत के ग्रंथों में संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूर प्रबंध सबसे प्रमुख है। कुंभा ने जयदेव रचित गीत गोविंद पर रसिक प्रिया टीका की रचना की। वह चंडी शतक की टीका भी लिखी। महाराणा कुंभा ने महाराजा धीराज, राय रायण, महाराणा, राजगुरु, दान गुरु, हाल गुरु, परम गुरु, चाप गुरु, योग्यता अभिव्यक्ति करने वाली उपाधियां भी धारण की। ओवरऑल ये जो पूरा पैराग्राफ है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक भी लाइन इसमें ऐसी नहीं है कि जो अंडरलाइन की जा सके। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा ही मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, तो ये समझिएगा कि ये पूरा ही अंडरलाइन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है महाराणा सांगा, 1509 से 1528 ईस्वी। राणा सांगा का वास्तविक नाम क्या था? संग्राम सिंह। राणा सांगा राणा रायमल के पुत्र थे। तो रायमल के तीन पुत्र थे जिसमें एक थे संग्राम सिंह। इनके शासनकाल में मेवाड़ अपनी शक्ति के चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। इन्होंने सभी राजपूत राज्यों को संगठित किया और उन्हें एक छत्र के नीचे लेकर आए। महाराणा सांगा पराक्रमी योद्धा थे। इन्होंने दिल्ली, गुजरात, मालवा, मुगल बादशाहों के आक्रमण से अपने राज्य की बहादुरी से रक्षा की। इनके शरीर पर 80 घाव थे। राणा सांगा अपनी वीरता और उदारता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी लाइनें जो है वो इन चैप्टर्स में दी हुई है। क्लास छोटी है फिर भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से हर बार क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है, और कुछ लाइनें ऐसी होती हैं जो आपको बड़ी क्लासेस में भी नहीं मिलेंगी। नेक्स्ट है शासक मालदेव, 1532 से 1562। मालदेव राठौर वंश के राव गांगा के बड़े बेटे थे। मालदेव स्वतंत्रता प्रेमी एवं महत्वाकांक्षी शासक थे। मालदेव के निरंतर सैनिक विजयों से और कूटनीति से मारवाड़ के राज्य की सीमा का विस्तार किया। मारवाड़ के इतिहास में राव मालदेव का शासन मारवाड़ का शौर्य युग कहा जाता है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि मारवाड़ का शौर्य युग जो है किसके समय का है? मालदेव के समय का। इन्होंने अपने काल में कुल 52 युद्ध किए। इनका एक साथ छोटे बड़े 58 परगनों पर अधिकार रहा। ये वाला पॉइंट जो है एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, 58 परगनों वाला। सर्वप्रथम भाद्रा जून को इन्होंने जीता। इसके बाद नागौर, मेड़ता, सिवाना, बीकानेर पर मालदेव ने विजय प्राप्त की। तो ये आपकी लाइन जो है यह भी पूछी जा सकती है क्रम से, कि इसका क्रम बताइए कि मालदेव ने सबसे पहले किस पर विजय प्राप्त की थी। सबसे पहले भाद्रा जून को जीता, फिर नागौर को, फिर मेड़ता को, फिर सिवाना को और फिर बीकानेर को। मालदेव ने सोजत दुर्ग, मालकोट दुर्ग, पोखरण दुर्ग का निर्माण करवाया। 1562 में मालदेव का देहांत हो गया। मालदेव को फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला शासक यानी बहुत ही ताकतवर इस नाम से पुकारा। तो इन्होंने बहुत ही जगहों पर, जैसे कि देखिए इतने बड़े बड़े जो स्थान थे, भाद्रा जून, नागौर, मेड़ता, सिवाना, बीकानेर, तो यहाँ पर विजय प्राप्त की थी। इसीलिए इसे इतिहासकार हसमत वाला शासक या ताकतवर इस नाम से पुकारते हैं। नेक्स्ट है महाराणा प्रताप, 1572 से 1597 ईस्वी। महाराणा प्रताप उदय सिंह के बड़े बेटे थे। इनका जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ था। इनकी माता का नाम जयंताबाई था। राणा प्रताप का राज्य अभिषेक 28 फरवरी 1572 को हुआ था। तो आपको पता है कि ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होता है जहां महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप और महाराणा कुंभा, इनके बारे में क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। तो विशेषकर याद रखना है इनका जन्म कब हुआ,
ठीक है, इनके शासन का समय जो है और इनकी मृत्यु का समय, ये तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जब उन्होंने शासन संभाला, जैसे मुगल शासक अकबर की मेवाड़ पर अधिकार करने की इच्छा, मेवाड़ की आर्थिक एवं सैन्य शक्ति को सुदृढ़ करना, भाई जगमाल का रूठ कर अकबर की शरण में जाना। महाराणा प्रताप ने मुगल शासक अकबर की अधीनता कभी नहीं स्वीकारी थी, ठीक है। जिस तरीके से मारवाड़ में राव चंद्रसेन ने कभी भी अकबर की अधीनता नहीं स्वीकारी थी, उसी तरीके से मेवाड़ के जो महाराणा प्रताप थे उन्होंने भी नहीं स्वीकारी थी। महाराणा प्रताप ने संकट काल में भी कृषि और वनों के विकास का प्रयास किया। तो ये जो पूरा पैराग्राफ है, ये पूरा का पूरा ही आप लोगों को क्या करना है, अंडरलाइन करना है। महाराणा प्रताप ने संकट काल में भी कृषि और वनों के विकास का प्रयास किया। संकट काल में थे फिर भी इन्होंने कृषि और वन, इनके विकास पर ध्यान दिया। इन विषयों पर विश्व वल्लभ जैसी पुस्तक भी लिखवाई। उन्होंने मानव अधिकारों का हमेशा पोषण किया। महाराणा प्रताप अपनी वीरता और युद्ध कला के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने अपने व्यक्तित्व से मेवाड़ के प्रत्येक व्यक्ति को मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देने वाला महान योद्धा बना दिया था, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया कि महाराणा प्रताप का जन्म, मृत्यु, इनके शासन का समय, कहाँ हुआ था इनका जन्म, इनका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, ये याद रखना है। महाराजा राय सिंह जो कहाँ के थे, बीकानेर के थे, 1574 से 1612 ईस्वी तक। बीकानेर के राव कल्याणमल के बड़े पुत्र राय सिंह का जन्म 20 जुलाई 1541 को हुआ। 1574 में राय सिंह का राज्याभिषेक हुआ, तो इनका जन्म जो है वह कब हुआ, 1541 में, और इनका राज्याभिषेक 1574 में हुआ। राय सिंह ने अपने रण कौशल से गुजरात, काबुल, कांधार एवं दक्षिण भारत के अभियानों को सफल बनाया। ये अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। इसी खूबी के कारण इन्हें राजपुताने का करण भी कहते हैं। तो किसे कहा जाता है राजपुताने का करण, बीकानेर के महाराजा राय सिंह को। राय सिंह ने बीकानेर के सुदृढ़ जूनागढ़ का निर्माण करवाया। इन्होंने किले के भीतर एक प्रशस्ति लिखवाई जिसे राय सिंह प्रशस्ति कहते हैं। विद्या अनुरागी महाराजा राय सिंह ने राय सिंह महोत्सव एवं ज्योतिष रत्नमाला जैसे ग्रंथों की रचना की, ठीक है। तो जो बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग है उसका निर्माण कराने वाले हैं महाराजा राय सिंह। इसी किले के अंदर इन्होंने जो प्रशस्ति यानी कि प्रशंसा लिखवाई जो है वह राय सिंह प्रशस्ति कही जाती है, जो कि राय सिंह के बारे में ही लिखी गई है। और इन्होंने राय सिंह महोत्सव और ज्योतिष रत्नमाला जैसे ग्रंथों की खुद रचना की। फिर देखिए आमेर के मिर्जा राजा जयसिंह, 1621 से 1667। तो देखिए यहाँ पर थोड़े थोड़े से ही फैक्ट हैं, ऐसा नहीं सोचना है कि इससे बढ़कर आपको नहीं पढ़ना है, बड़ी क्लासेस में इससे बढ़कर भी आएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो पॉइंट है इनको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर जो पॉइंट है वो बड़ी क्लासेस में नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। कछवाहा वंश के जयसिंह 1621 में आमेर की राजगद्दी पर बैठे। जयसिंह ने मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब इसके विभिन्न सैनिक अभियानों में उत्तरदायित्व का निर्वहन किया, ठीक है। तो जयसिंह जो है 1621 ईस्वी में आमेर की राजगद्दी पर बैठते हैं। और मिर्जा राजा जयसिंह जो है वह किन किन मुगल सम्राटों की सेवा में रहे, तो जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। जैसे ही आमेर का शासन संभाला, सबसे पहले मुगल सम्राट जहांगीर ने उन्हें सर्वप्रथम अहमदनगर के मलिक अंबर के विरुद्ध अभियान पर भेजा। शाहजहां ने इस उपलक्ष में जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की, ठीक है। इंपॉर्टेंट लाइन है कि शाहजहां ने 1639 में जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी। औरंगजेब ने जयसिंह को दक्षिण भारत में शिवाजी के विरुद्ध भेजा। जहांगीर ने मलिक अंबर के खिलाफ भेजा था और औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध भेजा था जयसिंह को। मिर्जा राजा जयसिंह वीर सेनानायक और कुशल राजनीतिक होने के साथ ही साहित्य और कला प्रेमी भी थे। मिर्जा राजा जयसिंह के राजकवि बिहारी ने 1662 में बिहारी शतसई की रचना की। तो इनके जो राजकवि थे बिहारी, इन्होंने बिहारी शतसई की रचना की। जयसिंह के अन्य दरबारी राम कवि ने जयसिंह चरित्र की रचना की, ठीक है। तो मिर्जा की उपाधि किसने दी, राजा जयसिंह को शाहजहां ने दी।
जब वह मलिक अंबर के विरुद्ध अभियान पर गए थे। वहीं औरंगजेब ने जयसिंह को शिवाजी के विरुद्ध भेजा था और इनके दरबार में कवि बिहारी थे जिन्होंने बिहारी शतशाही लिखा, राम कवि थे जिन्होंने जयसिंह चरित्र की रचना की। महाराजा जसवंत सिंह 1638 से 1678 ईस्वी। जसवंत सिंह का जन्म दिसंबर 1626 में बुरहानपुर में हुआ। पिता गज सिंह की मृत्यु के बाद जयसिंह का राज्याभिषेक किया गया। तो इनके पिता का नाम क्या है? गज सिंह, और जन्म इनका बुरहानपुर में हुआ। मुगल बादशाह शाहजहां ने जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि दी। ठीक है, तो मिर्जा की उपाधि जो है वह जयसिंह को दी शाहजहां ने, वहीं जसवंत सिंह को किसकी उपाधि दी? महाराजा की उपाधि प्रदान की। मुगल उत्तराधिकार जब युद्ध हुआ था तो वहां जसवंत सिंह ने पहले शाहजहां के साथ थे, उसके बाद आमेर के शासक जयसिंह के कहने पर देवराई के युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया। ठीक है, तो मुगल उत्तराधिकार युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया था महाराजा जसवंत सिंह ने। औरंगजेब ने जसवंत सिंह को अपने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भेजा। जसवंत सिंह ने दक्षिण भारत में औरंगाबाद के निकट जसवंतपुरा कस्बा बसाया। जसवंत सिंह अच्छे साहित्यकार थे। इन्होंने आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, भाषा भूषण, प्रबोध चंद्र चंद्रोदय आदि ग्रंथों की भी रचना की। ठीक है, इस पैराग्राफ में पूछा गया है कई बार कि शाहजहां ने जसवंत सिंह को किसकी उपाधि दी? महाराजा की, या जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि किसने दी? शाहजहां ने दी। ठीक है, और मुगल उत्तराधिकार युद्ध में औरंगजेब का साथ जो है वह जसवंत सिंह ने दिया था। महाराजा राज सिंह प्रथम 1662 से 1680 ईस्वी। 1652 में महाराणा जगत सिंह के पुत्र राज सिंह मेवाड़ के शासक बनते हैं। राज सिंह ने मुगल उत्तराधिकार युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया था। तो जसवंत सिंह ने भी औरंगजेब का साथ दिया और महाराजा राज सिंह ने भी साथ दिया था मुगल उत्तराधिकार युद्ध में, परंतु औरंगजेब की नीतियों ने राज सिंह को उसका विरोधी बना दिया। औरंगजेब के कारण ब्रज से गोवर्धन नाथ की मूर्ति को लेकर आए गोस्वामी भक्ति को राज सिंह ने शरण दी। सिंहार नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति और द्वारिकाधीश की मूर्ति कांकरोली में स्थापित की और वहां पर मंदिर भी बनवाया। इसके अलावा देखिए इन्होंने और कितने कार्य किए। उदयपुर में अंबा माता का मंदिर बनवाया, अनेक जल स्रोत बनवाए, कांकरोली में राजसमंद झील बनाई। ठीक है, और इसी राजसमंद झील पर रणछोड़ भट्ट द्वारा संस्कृत भाषा में लिखित प्रशस्ति को 25 शिलाओं पर खुदवाया गया। इसे कहते हैं राज प्रशस्ति। यह देश की सबसे बड़ी शिलालेख है। तो महाराजा जो राज सिंह है इनके बारे में आपको पूरा ही पैराग्राफ जो है वो याद रहना चाहिए। सवाई जयसिंह 1699 से 1743 ईस्वी। तो देखिए सबसे पहले मिर्जा राजा जयसिंह आते हैं, उसके बाद आते हैं सवाई जयसिंह। जयसिंह का जन्म 1688 ईस्वी में हुआ। इनके पिता की मृत्यु के बाद 1699 में मात्र 10 वर्ष बाद ही ये गद्दी पर बैठ गए। सवाई जयसिंह का अधिकांश समय राज्य के बाहर सैनिक अभियानों, मुगल राजनीति व मालवा में मराठों के प्रसार को रोकने में पूरा हुआ। औरंगजेब ने जयसिंह को सवाई की उपाधि प्रदान की। सवाई की उपाधि जो है वह जयसिंह को किसने दी? औरंगजेब ने दी। राजस्थान के इतिहास में सवाई जयसिंह की गणना महान शासक, सेनापति, विद्वान, आश्रयदाता, नक्षत्र, गणित विद्या के ज्ञाता के रूप में की जाती है। कछवाहा राजवंश के सवाई जयसिंह ने आमेर के स्थान पर जयपुर को अपनी राजधानी बनाया। तो अब तक राजधानी क्या थी? आमेर थी, लेकिन जयपुर को अपनी राजधानी जो है वह किसने बनाया? सवाई जयसिंह ने। ये देखिए जंतर मंतर जिसका निर्माण किसने करवाया? सवाई जयसिंह ने करवाया। सवाई जयसिंह ने 1725 में नक्षत्रों की गति की गणना करने के लिए एक शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया, जिसका नाम तत्कालीन मुगल बादशाह के नाम पर जीज ए मोहम्मद शाही रखा। सवाई जयसिंह के समय में ज्योतिष विद्या पर जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ लिखा। ज्योतिष ग्रंथों पर यंत्रों पर अनेक ग्रंथ भी इस दौरान लिखे गए, जिनमें सिद्धांत, सम्राट, यंत्रराज आदि प्रमुख हैं। सवाई जयसिंह ने ज्योतिष के अध्ययन के लिए जंतर मंतर नाम से 5 वैधशालाएं बनवाई। ठीक है, अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में अभी तक पूछी जा चुकी है और आगे भी आने की पूरी पूरी संभावना है कि जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन में
बनवाई इन्होंने जंतर मंतर नाम से पांच वेधशालाएं। इसके अलावा ये पैराग्राफ जो है ये आपके लिए पूरा ही इम्पोर्टेंट है कि 1725 में नक्षत्रों की गणना करने के लिए एक शुद्ध सारणी का जो है वह निर्माण करवाया था, जिसका नाम मुगल बादशाह के नाम पर जीजे मोहम्मद शाही रखा। सवाई जयसिंह के समय ज्योतिष विद्या पर जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ लिखा। नेक्स्ट शासक हैं महाराजा सूरजमल, 1755 से 1763 ईस्वी। इस चैप्टर में जितने भी शासक हैं इनको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये सभी शासक जो हैं बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। महाराजा सूरजमल भरतपुर के शासक थे। कहाँ के थे? भरतपुर के। इनके पिता बदन सिंह ने अपनी अस्वस्थता के कारण अपना राजपाट इन्हें सौंप दिया। जब मुगल साम्राज्य एवं अन्य राज्य अवनति की ओर जा रहे थे, तब मुगलों, मराठों और राजपूतों से गठबंधन का शिकार हुए बिना ही सूरजमल ने अपनी योग्यता से भरतपुर राज्य का विस्तार किया। तो देखिए, सभी राज्य जो हैं, जैसे ही मुगल आए थे तो सभी राज्य अवनति की ओर जा रहे थे, तो सभी जो है वह मुगल साम्राज्य में मिल रहे थे। फिर भी सूरजमल ने अपनी योग्यता से भरतपुर राज्य का विस्तार किया। गाजियाबाद, रोहतक, झज्जर, आगरा, धौलपुर, मैनपुरी, हाथरस, बनारस, फरुखनगर इलाके जीत लिए। सूरजमल वीर सेनानायक, चतुर कूटनीतिज्ञ एवं कला प्रेमी के साथ एक मानवीय दृष्टिकोण वाले शासक थे। पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद इन्होंने मराठा शरणार्थियों को अपने राज्य में संरक्षण दिया। कला मर्मज्ञ के रूप में अपने प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में किले व महल बनवाए। इन्होंने अपने राज्य में साहित्यकारों को संरक्षण दिया। कविवर सूदन, अरखेराम गर्ग जैसे विद्वान उनके दरबार की शोभा बढ़ाते हैं। इस चैप्टर की अंतिम जो लाइन है वह बहुत इंपॉर्टेंट है कि महाराजा सूरजमल के दरबार में कौन से विद्वान थे? कविवर सूदन और अरखेराम गर्ग। तो ये चैप्टर होता है आपका कंप्लीट। विद्या अनुरागी का अर्थ है विद्या में अत्यधिक रुचि रखने वाला, मर्मज्ञ का अर्थ है ज्ञानी और अवनति का अर्थ है पतन। आज थोड़ा डिस्टरबेंस है लेकिन कोई बात नहीं, हमने फिर भी चैप्टर कंप्लीट किया है। चलिए अब हम करते हैं इसके अभ्यास प्रश्न। राजपुताने का कर्ण कहा जाता है महाराजा राय सिंह को, महाराणा सांगा को, महाराणा मिर्जा राजा जयसिंह को या महाराणा प्रताप को? तो फटाफट से आंसर बताइए। हमने अभी अभी इस चैप्टर को पढ़ा है, महाराणा प्रताप जो हैं नहीं हैं, महाराणा सांगा जो हैं वह भी नहीं हैं, मिर्जा राजा जयसिंह इनके बारे में भी हमने नहीं पढ़ा। तो हमने किसके बारे में पढ़ा था? हमने पढ़ा था महाराजा राय सिंह के बारे में। विजय स्तंभ का निर्माण करवाया किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर है महाराणा कुंभा ने। ज्योतिष अध्ययन के लिए जंतर मंतर वेधशालाओं का निर्माण डैस ने करवाया था। तो लास्ट में ही हमने पढ़ा था सवाई जयसिंह ने जंतर मंतर वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। प्रसिद्ध कवि चंद वरदाई ने डैस की रचना की। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो सभी कुछ जो है वह मैं नहीं बताऊंगी, आप लोगों का भी कुछ काम होता है तो इस होमवर्क को आपको करना है, ठीक है? ये एक तरीके का होमवर्क ही है आप लोगों के लिए। कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे आंसर दीजिए, क्योंकि बच्चे जो हैं काफी वीडियो देखते हैं लेकिन आंसर नहीं देते हैं। यदि आप लोग ही इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे तो पढ़ाने में मजा नहीं आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।